होटल में इंडियंस आर नॉट अलाउड देखकर बना डाला विश्व का सबसे प्रसिद्ध होटल। आपको मर्द टांगे वाला फिल्म का वो सीन तो याद होगा जिसमें एक होटल के बाहर लिखा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। क्या हो अगर ऐसा सच में हुआ हो? आइए हम आपको ले चलते हैं ताजमहल होटल के निर्माण के सफर पर। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल होटल के बारे में, जो कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त है। ताज होटल के निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी छुपी हुई है। उस समय सिनेमा के जनक माने जाने वाले लुमियर भाइयों ने अपनी खोज के 6 महीने बाद अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई में प्रदर्शित किया था। वैसे तो वह शो को ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने सोचा कि वह शो ये मुंबई में करेंगे। 7 जुलाई 1896 को उन्होंने मुंबई में तत्कालीन आलिशान वॉटसन होटल में अपनी 6 अलग-अलग फिल्मों के शो आयोजित किए। इन शो को देखने के लिए मात्र ब्रिटिश लोगों को ही आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वॉटसन होटल के बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। टाटा समूह के जमशेदजी टाटा भी लुमियर भाइयों की फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन रंग भेद की इस नीति का शिकार होना पड़ा। जमशेदजी टाटा होटल बनाने का सपना पहले से देख रहे थे और इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। जमशेदजी टाटा ने तय किया कि वे भारतीयों के लिए इससे भी बेहतर होटल बनाएंगे। 1903 में मुंबई के समुद्री तट पर ताजमहल होटल बनकर तैयार हो गया। ये मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकन पंखे और जर्मन लिफ्ट भी मौजूद थी। उस समय ये होटल अन्य होटलों की तुलना में काफी बेहतर था, जो आज भी भारत की एक धरोहर है। उस समय इस होटल के दरवाजों पर एक तख्ती भी लटकती थी जिस पर लिखा होता था, ब्रिटिश एंड द कैट्स आर नॉट अलाउड।